Good morning, students. Today I am going to teach you the second poem of class 10, written by Robert Frost. In this poem, the poet has talked about how the world will end, and he has of the view that this world will end either by fire or ice. Although fire and ice have been used here as a metaphor, here it is the poet has used in metaphoric way, and we will know what actually the poet wants to say by this poem. हम लोग इस poem का अर्थ समझेंगे. ये Robert Frost की बहुत ही famous poem है, जिसमें उन्होंने इस दुनिया के नष्ट होने के बारे में बात की है. उन्होंने यह बताया है कि दुनिया के नष्ट होने के बारे में, दुनिया के विध्वंस के बारे में लोगों में दो प्रकार की धारणाएं हैं. कुछ लोगों का मानना है यह दुनिया फायर से नष्ट होगी, मतलब इस धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यह दुनिया नष्ट हो जाएगी. और कुछ लोगों का मानना है कि यह दुनिया आइस से नष्ट होगी, बर्फ से, टेम्परेचर के गिरने से नष्ट होगी, मतलब इतना टेम्परेचर गिर जाएगा कि सब चीज़ जम जाएगी. तो ये दो प्रमुख मत लोगों का है. एक्चुअली पोएट यहाँ पे फायर को डिजायर के रूप में देखा है और आइस को हैटर्ड के रूप में देखा है, घृणा के रूप में देखा है. वह कहना चाहता है कि मनुष्य की जो डिजायर है, अत्यधिक डिजायर है, वह एक दिन दुनिया को नष्ट कर देगी. हम इसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि हम जो प्रकृति का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वह हमारी डिजायर के चलते हो रही है. हम लोग इतना अत्यधिक प्रकृति का उपभोग कर रहे हैं कि वह नष्ट होने की कगार पे है. इसलिए जब प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो यह दुनिया समाप्त हो जाएगी. और यह किस चीज का परिणाम होगी? मनुष्य के डिजायर की. उसी तरह से हम इसको दूसरे रूप में समझ सकते हैं. आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया का तानाशाह जो है, उसकी परमाणु शक्ति संपन्न बनने की डिजायर, हथियारों में वर्चस्व हासिल करने की डिजायर ही वैश्विक तनाव को जन्म दिया है. विश्व में एक तनाव से स्थिति उत्पन्न हुई है. अगर उस तानाशाह की महत्वाकांक्षा के लिए, माने इस डिजायर के लिए वर्ल्ड वार हुआ, तो इस दुनिया के नष्ट होने की संभावना है. मतलब मनुष्य की अत्यधिक डिजायर जो है इस दुनिया को नष्ट कर देगी. इसी तरह आयुष है, घृणा है. घृणा के चलते लोगों में आज पड़ोसी में मिल नहीं है. एक अव्यवस्था है और एक तनाव सी स्थिति है. इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि एक देश का दूसरे देश की के साथ जो घृणा है, उसी के चलते वार होता है, और उस वार के चलते, उस युद्ध के चलते इस धरती के विनष्ट होने की, इस धरती के नष्ट होने की पूरी संभावना है. मतलब घृणा भी इस धरती को, इस दुनिया को समाप्त करने के लिए काफी है. आइए हम इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझेंगे और उसके बाद कुछ और जानेंगे, कुछ विशेष जानेंगे इस पोयम में.
सन से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं यह दुनिया आग से समाप्त होगी। सन से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है यह दुनिया बर्फ से नष्ट होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पोएट यहाँ पे बताता है कि मैंने भी डिजायर को टेस्ट किया है, अनुभव किया है, और उस आधार पे मैं यह कह सकता हूँ, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो यह मानते हैं कि यह दुनिया फायर से नष्ट होगी। यहाँ फायर का अर्थ है डिजायर से नष्ट होगी। तो पोएट इसमें बताता है पहला कारण कि यह धरती, यह संसार डिजायर के नष्ट होगी। मनुष्य की जो अत्यधिक डिजायर है, अत्यधिक लिप्सा है, अत्यधिक धनलोलुपता है, उसके चलते, चाहे अत्यधिक उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है उसके चलते यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसे दो बार नष्ट होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। पोएट का कहना है कि यदि यह दुनिया, यदि इस संसार को दो बार में नष्ट होना है, आई थिंक आई नो, तो मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ कि घृणा भी इस संसार में काफी है। मतलब इतना इस संसार में घृणा है, हैटर्ड है, कि यह संसार घृणा से भी नष्ट हो जाएगा। To see that for destruction eyes is also great and would suffice. और यह कहना कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा, आइस से होगा, और यहाँ आइस किसका प्रतीक है, घृणा का, घृणा से होगा, इज ऑल्सो ग्रेट, माने यह भी अच्छी बात है। मतलब यह भी कहना ठीक है कि इस दुनिया का अंत घृणा से होगा, बर्फ से होगा। एंड वुड सफाइस, एंड घृणा इस संसार को नष्ट करने के लिए काफी होगी। यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फायर, यहाँ पे फायर का मतलब है डिजायर, और आइस का मतलब है घृणा। पोएट यहाँ पे मानता है कि ये दोनों चीजें इस संसार को नष्ट करने के लिए काफी हैं। पहले पैराग्राफ में पोएट कहता है कि मैंने जहाँ तक जाना है, मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि इस संसार को नष्ट करने के लिए फायर काफी है। मतलब इस यह संसार लोगों की अत्यधिक डिजायर के चलते, इच्छाओं के चलते नष्ट हो जाएगी। कई तानाशाह हुए हैं, कई महत्वाकांक्षा हुए हैं, और वह उन्होंने विस्तार, उनकी जो डिजायर है वो विस्तारवादी, चाइना की जो आज डिजायर है वह क्या है, विस्तारवादी है। वह सभी देशों पे वर्चस्व चाहता है, और वह चाहता है कि वह एक सुपर पावर के रूप में उभरे, और इस महत्वाकांक्षा के लिए वो गलत सही भी कर रहा है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि, और इसका परिणाम क्या होगा कि उसकी अत्यधिक जो ये डिजायर है सुपर पावर बनने की, और गलत सही साधनों के प्रयोग द्वारा सुपर पावर बनने की, वह दुनिया को युद्ध के कगार पे ला सकती है, दुनिया को नष्ट कर सकती है। इसी तरह से दूसरे पैराग्राफ में पोएट यह बताना चाहता है कि लोगों के अंदर आज इतनी अधिक घृणा है, इतनी एक दूसरे से लोग इतना अधिक घृणा करते हैं
एक देश दूसरे देश से इतना अधिक घृणा से भरा हुआ है कि जिसके उस घृणा के चलते देशों में कन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, युद्ध शुरू हो सकता है, और वह जो युद्ध होगा वह धरती के विनाश का कारण बन सकता है। बार बार इस आपने जाना होगा कि बार बार मीडिया पे भी आप सुनते होंगे कि थर्ड वर्ल्ड वार की बात की जाती है। थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो किस कारण से होगा? अत्यधिक डिजायर के चलते होगा, किसी देश की अत्यधिक महत्वाकांक्षा के चलते होगा, या घृणा के चलते होगा। पोएट ने इस पोयम में यही चीज बताने का प्रयास किया है। जहाँ तक मेरा मानना है आप इसका अर्थ पूरी तरह से समझ गए होंगे। जो भी प्रश्न आपको आपका होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।